नमस्कार, स्वागत बड़ू वालों के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में, जिसके रुवा लोग के जानकारी मिलल बड़ू है और लगातार हमने के पल पल के अपडेट रुवा लोग तो पहुँचा दें जा। अपडेट में ई बा कि 2019 के चुनाव में जे कुछ भी विषाद बिछ रहा बड़ू है और माहौल बन रहा बा, वो माहौल इस बात के तरफ इशारा कर रहा बड़ू है कि गठबंधन या पार्टी दोनों पर दबाव बहुत गंभीर रूप से बा। कुछ पार्टी नया बाड़ी और कुछ पार्टी पुरान। नया पार्टी के संगे दबाव बढ़ुए कि वो अपना के प्रदर्शित कर चाह रही, पुरान पार्टी के संगे दबाव बढ़ुए कि उनका पर भार बहुत ज़्यादा बा नेता के प्रत्याशी के और पिछला रिकॉर्ड के बेहतर करे के। ये बेहतर करे में अगर सबसे कोई पिछड़ गई बढ़ुए तो वो बढ़ुए भारतीय जनता पार्टी, जौन 22 सीट चीतल सीट के छोड़ के एक समझौता कर ले बढ़ुए और उस समझौता कर ले बढ़ुए जदयू से 17-17 के फॉर्मूला तय कर ले बढ़ू। ये बात के लेके महागठबंधन खूब जम के एनडीए के किरकिरी करे के तैयार रहे, लेकिन स्थिति अब जस्ट उल्टा हो गई बढ़ुए और उल्टा होके के कारण हो गई बढ़ुए कि महागठबंधन में ज्यादा जोगी या मठ के उजाड़ वाला बात हो गई बढ़ुए। ये सब बात के लेके रघुवंश प्रसाद जौन राजद के कद्दावर नेता वाले और उनका के महागठबंधन के लगभग सभी नेता अपन प्रतिनिधि मानेला, उनका बात के वैल्यू भी होला और उनका बात पर मीडिया के जमावड़ा भी लगेला, उनका बात में बहुत वजन होला, चूंकि मजल राजनीतिक है और एगो लंबा समय लालू प्रसाद के साथ साथ बड़ बड़ राजनीतिक लोग से दो हाथ कैले बड़े। उनका सीधे कहना बढ़ुए कि अब उस समय खत्म हो गई, अब समय ऐसे खत्म हो गई कि अब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मात देवे के स्थिति बढ़ुए और वो मात देवे के स्थिति में सब बात छोड़ के प्रत्याशी जिताओ, प्रत्याशी दिखाओ और टिकट पावो वाला स्थिति में आवे के पड़ी। ई बात वो काहे कह तारे, एक पीछे भी कारण बढ़ुए कि लगातार वह पिछला एक सप्ताह से देखत हो कब या कहीं तो 15 दिन से रुआ देखत आनी कि धीरे धीरे महागठबंधन में विद्रोह के स्थिति पैदा हो रहा बढ़ुए। सबसे पहला विद्रोह भइल तब जब कांग्रेस एकच अकेले हुंकार भरलस पटना के गांधी मैदान में जनाकांक्षा रैली के हिसाब से। हालांकि कांग्रेस भी एगो लंबा समय के बाद यह स्थिति में आइल बा कि वो अपना बदौलत अपना दम पर अपन उपस्थिति दर्ज करे और लोग के बतावे कि हम उपस्थित बानी, हमरा के मान सम्मान देवे के हुई। इस सब बात के बाद जो सबसे गंभीर बात बढ़ुए वो ये बात बढ़ुए कि 3 तारीख के 3 मार्च के एक तरफ जहाँ एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांधी मैदान में हुंकार भरी, सारा एनडीए इंटैक्ट दिखी, पैक्ट दिखी, चूंकि वो लोग में 6-6 के फॉर्मूला तय हो गई बुड़ुए, जिसने कि जाना था नहीं कि 6 गो सीट लोजपा के मिल गई बा, 17 सीट और 17 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी और जदयू अपन अपना स्थान सुरक्षित कर ले बड़े। एक बाद अब उनका संगे स्थिति बढ़ुए कि वो पूरी तरह से तैयार बन। दूसरा तरफ महागठबंधन में अभी तक ले सीट के कोई समझौता नहीं हो पाओ, के कितना सीट पर लड़ी भी तय नहीं के और हर कोई अपन अपन दावेदारी बढ़ चढ़ के ले रहा बढ़ुए। इस दावेदारी में असमंजस की स्थिति बढ़ुए, अब भरोसा की स्थिति गड़बड़ा रहा बढ़ुए, लोग ये समझ रहा बढ़ुए कि 2 गो सीट मिली तो हम कहाँ जाए, 1 गो सीट मिली तो हम कहाँ जाए, या फिर के कतना सीट ले ली, कहीं ऐसा तो ना कि राजद सब सीट ले ले रहे और केहू के देवे ना करे, सब लोग की स्थिति दयनीय हो जाए। दूसरा तरफ कांग्रेस जो बा वो जीत के 3 गो राज्य में जीत से लवरेज बढ़ुए। ये सब बात के लेके जो यह बीच में 1 महीना से जो चल रहा बा क्रिया प्रतिक्रिया और बात विवाद, ओकरा से कई बार रघुवंश प्रसाद थोड़ा सा नाराज भी रहे हैं और एक खाली इहो कहले रहे हैं कि लालू प्रसाद के राजद नइखे बुझात, बहुत संयम से और बहुत हिसाब किताब से काम करे के हुई, ऐसे कि जो विरोधी बा वो मजबूत बा। हालांकि जनता के दिमाग और जनता तैयार बढ़ुए कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के सत्ता से हटावे के बढ़ू, बेदखल करे के बा, लेकिन हटावे खातिर ये सब लोग के अपन अपन ताकत के एक जगह ले आके इकट्ठा करे के पड़ी और सामूहिक रूप से ताकत से आगे बढ़े के पड़ी। एक खातिर फॉर्मूला यह दिले बड़े कि जिताऊ कैंडिडेट
मजबूत कैंडिडेट लेके आवो और टिकट पावो। ये बात के मत सोचा लोग के कहाँ से चुनाव लड़ी, के कितना सीट पर लड़ी। हमने के मेन जो मकसद बढ़ुए वो मकसद बढ़ुए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और एनडीए के हरावल। इस सब बात के लेके जो नया फॉर्मूला देने बड़े रघुवंश प्रसाद, वो फॉर्मूला हिट होता कि पिट जाते हुए, ये तो वक्त बताई। लेकिन जो स्थिति बा कि 3 तारीख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली के लेकर के महागठबंधन में उमस के स्थिति बढ़ुए, और ये उमस के स्थिति में जहां एक तरफ कांग्रेस अपन अलग राग अलग डफली अपना लोग के अपना कुनबा के बढ़ावे के प्रयास में लागल बढ़ुए, जौना से लागता कि राजद और राजद के जो रणनीतिकार बड़े उनको मन में कहीं ना कहीं कोई बात जरूर बैठल बढ़ुए। ये हो सकेला तो 3 मार्च से पहले एनडीए के रैली से पहले या तो महागठबंधन पूरी तरह से पैक्ट हो जाए, इंटैक्ट हो जाए, या फिर महागठबंधन पूरी तरह से विखंडित हो जाए। महागठबंधन में सूत्र बता रहा है कि 2 गो खेमा बहुत तैयारी से आगे बढ़े के स्थिति में आगे बढ़ुए। 1 गो खेमा जो कांग्रेस लेके चलत रुए और कांग्रेस के साथे कई मजबूत लोग जुड़ल भी बढ़ुए, कई दल भी कांग्रेस के सहारे महागठबंधन में आ रहे हैं। अब स्थिति ही बा कि यह सब के लेके रघुवंश प्रसाद कहीं ना कहीं दुखी बाण, और यही चलते वही रास्ता बतौले बाण कि अब एक ही रास्ता बढ़ुए, जिताऊ कैंडिडेट ले आवो और टिकट पावो, सबके बात के ख़त्म करके, दल के ख़त्म करके, पार्टी के ख़त्म करके, सारा चीज़ के ख़त्म करके, जेकरा तरफ जे मजबूत कैंडिडेट बढ़ुए ओकरा के मिल के सब दल विपक्षी जितना बाड़े सब दल मिलकर उनका के जितावे के प्रयास करो और आपस के कलह दूर करो। इस संभव बा कि नहीं के संभव, राजनीति में संभव कुछ भी बढ़ुए, ना तो कुछ संभव नहीं है, कभी भी कोई भी समीकरण बदल सकेला, जे गद्दी पर बा सेकेंड भर में उतर सकेला और जे नीचे बढ़ुए वो गद्दी के मालिक हो सकेला। वोट देवे के अधिकार जनता के बढ़ुए, लेकिन यह रणनीति में कैसे जनता के ऊपर अपन बात मनवावे खातिर होड़ लागल बढ़ुए, इहो बात रुआ लोग देखता नहीं। हर खबर हमनी के रुआ लगे पहले पहुँचावे के वादा करते हैं, जा रातों रात जो फार्मूला आए बढ़ुए, ये फार्मूला सबसे पहले रुआ लोग भी पहुँचा रहा मन जा। एक बाद रुआ लोग विचार करें कि रघुवंश प्रसाद के बाद कितना महागठबंधन, कितना राजद, कितना कांग्रेस और कितना उनकर पुरान साथी शरद यादव या फिर चितन राम मांझी मनी हैं, यहू बात के देखे वाला हुई। हालांकि रघुवंश प्रसाद जो फार्मूला दे रहे बड़े वो फार्मूला अभी तक फिट माना जाते हुए, कई लोग ऑफ द रिकॉर्ड यह बात के स्वीकार के लिए है, रात में बहुत लोग से बात कही है, बात कैल के बाद कई लोग यह बात के स्वीकार के लिए है कि रघुवंश प्रसाद जी के जो फार्मूला बढ़ुए कि हर एक सीट 400 सीट पर यह बात के छोड़ के कि कौना दल के प्रत्याशी खड़ा होता रहे, कैंडिडेट महत्वपूर्ण बाड़े और जे जहाँ से जीत सकेला ओकरा के पूरा ताकत से हमनी के सब आदमी मिल करके और जिताई जा। जुड़ा रही सभी न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, खबर के सिलसिला जारी हो गई बढ़ुए। अब एक एजा से रहुआ लोग के काम बढ़ुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करी, अपना भारत लाइव के सब्सक्राइब करे वाला बटन हर जरूर अपना हित मित्र गोतिया पटदार के बताई और संगे संग घंटी जरूर दबा दे, घंटी दबावला से हर खबर रुआ लोग के कहीं जाए के जरूरत नहीं है, रुआ हाथ में मोबाइल बनू टप से दबाई, जब रुआ लगे घंटी टन से बाजी, टन से घंटी बजला का मतलब कि भारत लाइव कोनो खबर पोस्ट कैल सा और वो खबर सबसे पहले रुआ लोग लगे पहुंची। फिर मिले के वादा करता नहीं, गोर लगाता नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।